अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाहिदा तबस्सुम, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज निर्मल। आज की टॉपिक है टैक्स। टैक्स टैक्स की तारीफ। टैक्स क्या है? टैक्स टैक्स जो है, हाँ, महसूल, जिसको उर्दू में महसूल बोलते हैं, महसूल है हुकूमत की आमदनी का एक बड़ा और अहम जरिया है। टैक्स एक लाजमी और अदायगी होता है, एक लाजिम अदायगी होता है, मतलब टैक्स को अदा करना पड़ता है। जैसा दो टैक्सेस है, बिलावास्ता टैक्स एक है और बिलवास्ता टैक्स एक, हाँ, बिलावास्ता टैक्स और बिलवास्ता महसूल, दो टैक्सेस है, मतलब डायरेक्ट टैक्स एक, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो है तनख्वाहों पर लगाया जाता है, जो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, जो महीना याफ्ता तनख्वाह कमाते हैं सालाना, की मतलब आमदनी 5 लाख से ज़्यादा हो सालाना, उनको टैक्स आयद किया जाता है, उनके तनख्वाहों पर टैक्स लगाया जाता है और टैक्स अदा करना है, और जिस पर लगाया जाता है उसी को अदा करना पड़ता है, दूसरों पर मुंतकिल नहीं कर सकते। डायरेक्ट टैक्स की यह खूबी है। और इनडायरेक्ट टैक्स जो है, जो किसी पर भी लगाया जाए उसको दूसरों पर मुंतकिल कर सकते हैं, वैसे टैक्स को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पर देखिए, बिलावास्ता और बिलवास्ता महसूल, मुतनासिब तंजिले और दर्जे वाली टैक्स, खसूसी और कुदरती टैक्स, मुनफरद और मतलब ये टैक्सेस के किस्में हैं, कौन सा टैक्स रहता, मुतनासिब और तंजिले दर्जे वाली टैक्स भी होता, खसूसी और कुदरती टैक्स भी रहता, मुनफरद और मुरक्कब टैक्स भी होता, और इजाफी खदर टैक्स भी होता। अब ये देखिए, आमतौर पर टैक्स बिलावास्ता और बिलवास्ता टैक्स में दर्जा बंदी की जाती है, मतलब बिलवास्ता और बिलावास्ता टैक्स में दर्जा बंदी की जाती है। बिलावास्ता टैक्स वो है जिनके बोझ को मुंतकिल नहीं किया जा सकता, मतलब बिलावास्ता जो टैक्स है दूसरों पर मुंतकिल नहीं कर सकते, जिस पर लगाया जाता है उसी को अदा करना पड़ता है। डाल्टन के मुताबिक बिलावास्ता टैक्स दरअसल वही शख्स अदा करता है जिस पर कानूनन टैक्स आयद किया जाता है। दौलत टैक्स, आमदनी टैक्स, जायदाद टैक्स वगैरह बिलावास्ता टैक्स डायरेक्ट टैक्स की मिसाल है। बिलावास्ता टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स की मिसाल है। यह हर शहरी का यह फर्ज है कि हुकूमत के अखराजात की तकमील के लिए अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा जरूर अदा करें। टैक्स अदा करने वालों को बदले में कुछ भी रास्त फायदा हासिल नहीं होता। और टैक्सेस की ये जो किस्में है ना, खुसूसी और कुदरती टैक्स, और यहाँ पर क्या है, इनकम टैक्स, जायदाद टैक्स वगैरह बिलावास्ता टैक्स डायरेक्ट टैक्स की मिसाल है। इसके बरखिलाफ बिलावास्ता टैक्स वो हैं जिनके बोझ दूसरों पर मुंतकिल किए जाते हैं, बिलावास्ता टैक्स जो है ना दूसरों पर मुंतकिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये कौन सा टैक्स है वो देखेंगे, जो शख्स अदा करता है और जिसका हतमी बोझ कोई दूसरा बर्दाश्त करता है, मसलन बिक्री टैक्स, मतलब कोई चीज़ बेचते करते ना उस जैसा, मतलब उसको सेल्स टैक्स भी कहते हैं। एक्साइज ड्यूटी टैक्स, दरामदी महसूल, इम्पोर्ट मतलब दरामद बरामद पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं, और वो भी दूसरों पर मुंतकिल कर सकते हैं। और ये जो है ना, रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव टैक्स, हाँ, और डिग्रेसिव, मुतनासिब मुतजायद तंजिली और दर्जेवारी टैक्स, यहाँ पर मुतनासुब
वो टैक्स हैं जो एक ही शरह से लागू किया जाए मुतनासिब टैक्स कहलाता है। मुतनासिब टैक्स की सूरत में तमाम अफराद से एक ही फीसद या एक ही शरह से टैक्स वसूल किया जाता है। एक ही सूरत या एक ही से टैक्स वसूल किया जाता है। टैक्स में महसूल की बुनियाद ख्वा कुछ भी हो, महसूल की शरह में तब्दीली नहीं होती। यानी आमदनी में ख्वा इजाफा हो या कमी, टैक्स की शरह वही रहती है। मुतनासिब टैक्स जो होता ना, मतलब आमदनी बढ़े या घटे, जो टैक्स गवर्नमेंट लगा देती ना उसी टैक्स आयद किया जाता है, या तनख्वाह बढ़े या घटे, लेकिन टैक्स वही कायम रहता। मुतजायद टैक्स, इसके बारे में देखेंगे। मुतजायद टैक्स यहाँ पर मुतजायद महसूल कहाँ पर है? मुतजायद महसूल वो है जो बढ़ती हुई शरह से आयद किया जाता है, मतलब जो चीज़ें बढ़ती हैं ना उस पर। मुतजायद टैक्स की सूरत में जब काबिल टैक्स आमदनी में इजाफा होता है तो टैक्स की शरह में भी इजाफा होता है। इसी तरह कम आमदनी हो तो कम शरह से और ज़्यादा आमदनी पर ज़्यादा शरह से टैक्स लागू होता है। मतलब जो ज़्यादा आमदनी कमाते हैं उन पर ज़्यादा टैक्स होता और जो कम आमदनी कमाते हैं उन पर कम टैक्स लगाया जाता है। टैक्स की बुनियाद में इजाफे से अगर टैक्स शरह में कमी होती है, मतलब टैक्स की इजाफे से टैक्स लागू, मतलब जो टैक्स लगाते हैं उसमें इजाफे, मतलब टैक्स की बुनियाद में इजाफे से अगर टैक्स शरह में कमी होती है तो ऐसे टैक्स को तनजिली टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। तनजिली टैक्स मुतनाज़ टैक्स की बरक्स होता है। तनजिली टैक्स कारी में आमदनी में इजाफे से टैक्स की शरह घटती है। दर्जेवारी टैक्स कारी की सूरत में टैक्स की शरह में इसी तनासुब से इजाफा नहीं होता, जैसा कि टैक्स की बुनियाद आमदनी में इजाफा होता है। अगर टैक्स की शरह में एक हद तक इजाफा हो और फिर इसके बाद शरह आयद की जाए तो दर्जेवारी टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, दर्जेवारी टैक्स एक ही तरह से मुतजान और मुतनासिब टैक्स का मजमू होता है। खुसूसी और कुदरती टैक्स ये महसूल की एक किस्म है। खुसूसी और कुदरती टैक्स, अगर किसी शय पर इसका हुजूम, साइज या वजन की बुनियाद पर टैक्स लागू किया जाए तो इसे टैक्स को खुसूसी, स्पेसिफिक टैक्स, स्पेसिफिक महसूल कहते हैं। मसलन एक क्विंटल शक्कर पर 100 रुपये या एक मीटर कपड़े पर 10 रुपये या एक अदद साइकिल पर, रेडियो पर महसूल अगर अशिया की खदर की बुनियाद पर टैक्स आयद किया जाए तो इसको खदरी टैक्स कहते हैं। मसलन घड़ियों की दरामदात पर इनकी खदर का 10% महसूल या महसूल की दरामद पर कार की कीमत पर खदर का 50% वगैरह, मतलब जो भी चीज़ आप लोग लेते हैं, जैसा मतलब ये क्या है, खदरी टैक्स। खदरी टैक्स मीन्स जिस, मतलब जो चीज़ पर, अगर से आप कार ले रहे हैं तो कार पर टैक्स होता है, अगर आप चावल ले रहे हैं तो चावल पर टैक्स होता है, मतलब चावल पर महसूल लगाया जाता है। इसी तरह मतलब हर एक चीज़ पर उसकी, मतलब वजन के हिसाब से, उसकी कदर के हिसाब से, कार ले रहे हैं, कार आप 10 लाख की कार ले रहे हैं तो उस पर एक 50,000 रुपये तो आप लोगों को टैक्स भरना पड़ता है, मतलब उसकी कदर के हिसाब से, मतलब कितने की आप कार ले रहे हैं उसके आधार पर, आप कितने किलो शक्कर ले रहे हैं या कितने किलो चावल ले रहे हैं
मतलब वो क्विंटलों के हिसाब से, क्विंटल के हिसाब से उस पर टैक्स आयद किया जाता है। वो महसूल को क्या बोल रहे हैं ना, खतरी महसूल बोल रहे हैं, मुनफरिद और मुरक्कब टैक्स। मुनफरिद और मुरक्कब टैक्स, इजाफी खदर टैक्स। तो ये टैक्स क्या है, देखिए टैक्स महसूल को मुनफरिद टैक्स और मुरक्कब टैक्स में भी दर्जाबंदी की जाती है, दर्जेबंदी की जाती है। महसूल के जरिए हासिल हुकूमत अपनी आमदनी या तो एक ही महसूल से हासिल कर सकती है, या वो कई किस्म के महसूल के जरिए हासिल कर सकती है। अगर वो अपनी आमदनी वाहिद महसूल से हासिल करती है तो वो मुनफरिद महसूल का तरीका कहलाता है। जैसे पुराने जमाने में ज़िरात पर महसूल वगैरह, मतलब ज़िरात पर महसूल बोले तो ज़िरात पर क्या था, कितनी क्विंटल आप लोगों को मतलब हाँ मतलब कितने क्विंटल फसल, अगर से अच्छी फसल आई तो किसानों से भी टैक्स लिया जाता था लगान की सूरत में। मतलब जमीन के ज्यादा जरखेज जमीन है तो ज्यादा पैसे, अगर कम मतलब ए जमीन बी जमीन सी जमीन बोल कैसा रहती थी उस पर उस हिसाब से टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, इसके बरखिलाफ हुकूमत अपनी आमदनी का एक जरिए से ज्यादा महसूल आयद करके हासिल करती है तो वो मुरक्कब टैक्स मल्टीपुलर टैक्स का तरीका कहलाएगा। जैसे जिरात पर टैक्स, सनत सनत पर टैक्स, तिजारत पर टैक्स वगैरह, मतलब सनतों पे भी टैक्स लगाते हैं। सनत मतलब फैक्ट्रियां जो भी लगाते हैं ना उस पर, और क्या बोलते हैं तिजारत मतलब जो तिजारत करते हैं मतलब हाँ बिजनेस पर भी टैक्स आयद किया जाता है, इजाफी खदर टैक्स। इजाफी खदर टैक्स यहाँ पर, इजाफी खदर महसूल क्या है, देखिए इजाफी खदर महसूल की तारीख जदीद है, मतलब ये नया है। ये महसूल सबसे पहले 1954 में फ्रांस में महदूद पैमाने पर नाफिस किया गया था, लेकिन चंद सालों में ही ये टैक्स मकबूल और मारूफ हो गया और यूरोपी ममालिक में टैक्सकारी के एक हरफ के तौर पर इस्तेमाल होने वाला वैट सेल्स टैक्स ही काबिल से है। इजाफी खदर टैक्स वैट वो टैक्स है जो शय की कुल कदर पर नहीं लगाया जा सकता, बल्कि शय की कदर में जो इजाफा होता है इस पर आयद किया जाता है। मतलब अब ये कोई चीज तैयार हो के आने के बाद उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता, ये वैल्यू एडेड इजाफी खदर मतलब महसूल जो है मतलब शय पर लगाया जाता है। मतलब वो शय की कितनी मकदार बिक रही है और उसका डिमांड कितना है मार्केट में उस हिसाब से लगाया जाता है। वैट के तहत ताजिर शय की कुल कीमत या कदर पर टैक्स आयद नहीं करता, बल्कि शय की कदर नेट वैल्यू पर टैक्स अदा करता है। ऐसा ये वैल्यू एडेड टैक्स था, इजाफी कदर टैक्स जो टैक्स के बोझ और बार के लिहाज से बिलवास्ता बिलावास्ता ऐसे तमाम टैक्सेस की तारीफ में आते हैं जिनके बोझ को मुंतकिल नहीं किया जा सकता, यानी जो शख्स पर कानूनी तौर पर आयद किया जाता है वही अदा करता है वगैरह। अब इसके खूबियां, इसके खूबियां मतलब वसूले तदाई, एक खूबी ये है कि यह टैक्स इन पर आयद किया जाता है जो टैक्स अदा करने की इस्तेतात या इस्तेतात रखते हैं। मतलब डायरेक्ट टैक्स जो रहता है ना वो जिस पर किस पर उसकी एक खूबी ये है कि वो जो अदा कर सकता है उसी पर लगाया जाता है, दूसरों पर मुंतकिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, अदम मसावात में कमी, ये टैक्स
दौलत और आमदनी को तकसीम में पाई जाने वाली अदम मसावात को कम करने में मददगार होता है। मतलब जो मसावात होते समाज के बीच में उसको दूर करने की कोशिश करता है। किफायत बख्श, बिलावास्ता टैक्स किफायत बख्श होते हैं। इनकी तफसील पर होने वाली इंतजामी अखराजात कम होते हैं, मतलब ज़्यादा अखराजात नहीं किए जाते इस पे वगैरह। पैदावार और लचक और लचकदार, बिलावास्ता टैक्स को इसलिए भी पसंद किया जाता है कि ये टैक्स पैदावार और लचकदार होते हैं। बिलावास्ता टैक्स की सूरत में टैक्स अदा करने वाला जानता है कि कितना टैक्स अदा करना है, और इसी तरह हुकूमत को भी टैक्स से हासिल होने वाली रकम का अंदाज़ा होता है। रास्त टैक्स, रास्त महसूल शहरों में एहसास से जिम्मेदारी पैदा करते हैं। टैक्स अदा करने वाले महसूस करता है कि वो एक जिम्मेदार और फर्ज शिनाख शहरी की तरह हुकूमत के अखराजात को पाबजाई अपना हिस्सा अदा कर रहा है। बिलावास्ता टैक्स सहूलत बख्श नहीं होते। बिलावास्ता टैक्स बचत और असल कारी पर मनफी असरात डालते हैं। रास्त महसूल चूँकि तकलीफ दा होते हैं इसलिए टैक्स चोरी का इम्कान रहता है, मतलब टैक्स चोरी भी होता बराबर नहीं बताते। रास्त महसूल आवाम की नाराज़गी का बास होते हैं। जब भी हुकूमत आमदनी बढ़ाने के लिए रास्त महसूल की शरह में इजाफा करते हैं तो आवाम की मखालिफत का हुकूमत को सामना करना पड़ता है। बिलावास्ता टैक्स, बिलावास्ता महसूल के खवानीन पेचीदा नौयत के होते हैं। टैक्स अदा करने वाले को वक्त पर टैक्स के तखमीनाजात पेश करना पड़ता है। रास्त टैक्स का दायरा महदूद होता है। ये टैक्स सिर्फ अमीरों पर आयद किए जाते हैं। तमाम लोगों को इस टैक्स के तहत लाया जाता है। बिलावास्ता टैक्स महसूल वो हैं जिनके बोझ दूसरों पर मुंतखिल किए जा सकते हैं, यानी बिलावास्ता टैक्स इब्तदा में एक शख्स अदा करता है और दूसरे को हतमी बोझ कोई दूसरा शख्स बर्दाश्त करता है। मसलन बिक्री टैक्स, दरामद ड्यूटी टैक्स वगैरह, बाहर से जो माल वगैरह भी आते हैं ना वो उस पर वे सब टैक्सेस जो रहते हैं उसको हम दूसरों पर मुंतकिल कर सकते हैं। ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। ये महसूल सहूलत बख्श होते हैं। चोर बाजारी का कम इम्कान रहता है, यानी बिलावास्ता महसूल से अफरादी चोरी का इम्कान कम रहता है। बिलावास्ता टैक्स से हुकूमत की आमदनी में आसानी से इजाफा किया जा सकता है। ये महसूल वसी बुनियाद पर होते हैं, इनका दायरा वसी होता है। इनडायरेक्ट महसूल की एक खूबी यह है कि ये टैक्स बेजा और नुमाइशी सर्फ में कमी का बास होते हैं, जिसकी वजह से खानदानों की बचत की सलाहियतों में इजाफा होता है, जिसको माशी तरक्की के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये टैक्स मसावी और मुनसिफाना होते हैं। इनकी अदायगी उसी वक्त होती है जब लोग अशिया या सामान खरीदते हैं। बिलवास्ता महसूल इजतमाई असर में रुकावट भी नहीं होते। ये महसूल गैर मुनसिफाना होते हैं। इनका बोझ अमीरों के बनिस्बत गरीबों पर पड़ता है और ये माशी मसावत को बढ़ाते हैं। बिलावास्ता महसूल गैर किफायती और गैर माशी होते हैं, गैर यकीनी होते हैं। इनके ज़रिए से हुकूमत को गिनती कितनी आमदनी हासिल होती है यकीनी तौर पर नहीं किया जा सकता। इस तरह
यह वसूल ये बतलाता है कि टैक्स रियाया पर इनकी आमदनी और इनके अदा करने की हियत पर सबब से अलग और टैक्स का वो सब पर मसावी पड़ता है। जाहिर है कि ज़्यादा आमदनी पाने वालों की टैक्स अदा करने की सलाहियत ज़्यादा होती है और कम आमदनी पाने वाले लोगों की सलाहियत, लिहाजा अमीर टैक्स ज़्यादा अदा करेंगे और गरीब कम अदम कम और गरीब कम। एडम स्मिथ कहता है कि हर ममालिक के लोगों को चाहिए कि जहाँ तक मुमकिन हो अपनी हिदायत और सलाहियत के मुताबिक हुकूमत के अखराजात में शरीक हों, लेकिन इस वसूल पर एतराज किया जाए। अफराद की महसूल अदा करने की हिदायत और सलाहियत पैमाइश मुश्किल है, क्योंकि जहाँ तक इसार का ताल्लुक है वो शख्स है। टैक्स कारी का दूसरा अहम वसूल तनखील है। ये वसूल ये बतलाता है कि जो टैक्स अफराद पर लागू किया जाए वो बिल्कुल वाज़े और यकीनी हो। हर शख्स को वक्त पर अदायगी और तरीक़ा अदायगी, मकदार टैक्स वगैरह, तमाम उमूर वाज़े और साफ हों। एडम स्मिथ कहता है कि अगर इस वसूल का लिहाज ना किया जाए तो टैक्स कारी मनमानी होगी और कई एक बदअनवानियाँ जैसे चोरी, रिश्वतखोरी वगैरह आम होगी। वसूल सहूलत, एडम स्मिथ कहते हैं कि टैक्स ऐसे वक्त इस तरह आयद किया जाए जो अदा करने वाला और टैक्स मतलब महसूल जमा करने वाले हर दौर के लिए सहूलत बख्श हो, यानी महसूल की अदायगी और वसूली में गैर ज़रूरी मुश्किलात ना पाए जाएं। हमारे मुल्क में मालगुजारी, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी वगैरह इस वसूल को पूरा करते हैं। मालगुजारी आमतौर पर फसलों की कटाई के वक्त वसूली की जाती है और सेल्स टैक्स अशिया की खरीदी के वक्त खरीदार अदा करते हैं, चूँकि इसकी मकदार कम होती है और ये अशिया की कीमत में ताहम इसलिए सहूलत बख्श होता है। टैक्स कारी का एक अहम वसूल किफ़ायत है। ये वसूल ये बतलाता है कि महसूल खर्च और किफ़ायत बख्श हो, यानी महसूल जमा करते वक्त जो मुसारिफ हो वो कम से कम हो। टैक्स महसूल जमा करने के लिए जो जो अमल और स्टाफ हो वो ना सिर्फ कम हो बल्कि काफ़ी सलाहियत और महारत रखता हो और मुसारिफ अखराजात से महसूल की जमा बंदी पर ना की जाए। इन चार वसूलों के अलावा वो जदीद माशी माहरीन एक अच्छे टैक्स सिस्टम के लिए महसूल भी बतलाते हैं जो हसब ज़ेल है। वसूल पैदावारी, माहरीन माशियात के मुताबिक टैक्स पैदावार हो, यानी टैक्स के ज़रिए हुकूमत को काफ़ी आमदनी, मकबूल आमदनी हो, टैक्स हुकूमत की आमदनी में इजाफे का बाज है। महसूलकारी और महसूल सादा और आम फहम होता है के टैक्स अदा करने वाला इसको समझ सके और काबिल फहम महसूल रिश्वतखोरी, टैक्स चोरी और दिगर मुश्किलात पैदा करते हैं। वसूल लचक,
वसूले लचक, ये वसूल ये बतलाता है कि महसूल सख्त गैर नहीं बल्कि लचकदार हो। वक्त ज़रूरी महसूल में आसानी से कमी पेशी की जा सके, यानी महसूल ऐसा हो जिसमें हालात और ज़रूरियात के लिहाज से तब्दीली की जा सकती है। ये वसूल ये बतलाता है कि बेहतरीन महसूल सिस्टम वो है जिसमें हर किस्म के टैक्स शामिल किए जाएं, जैसे बिलावास्ता टैक्स, बिलवास्ता टैक्स, मुतनासिब टैक्स, मुतजायद टैक्स, मखसूस टैक्स, खतरी टैक्स वगैरह। ये तमाम टैक्स के बारे में, टैक्स के बारे टैक्स मतलब महसूल के तहत ये देखा जाए कि महसूल का माली बोझ हकीकत में किसी पर पड़ता है या कौन महसूल के माली बोझ को बर्दाश्त कर सकता है। टैक्स इस शख्स पर होता इस शख्स पर होता है जो राज टैक्स का रकमी बोझ बर्दाश्त करता है, यानी महसूल का बार का मतलब टैक्स का आखिरी और हतमी ठिकाना है। टैक्स कारोबार उस शख्स पर पड़ता है जो इसको मजीद दूसरों पर मुंतकिल नहीं कर सकता और खुद ही महसूल का माली बोझ बिला आखिर बर्दाश्त करता है। मिग्रेसिव कहता है कि टैक्स का बार का तसव्वुर दरअसल टैक्स के बोझ का आखिरी ठिकाना। हुकूमत जब कोई टैक्स आयद करती है तो जाहिर है कि इस टैक्स का रकमी बोझ उस फर्द पर पड़ता है जो कानूनन इस टैक्स को अदा करने का पाबंद हो। इसको इस्तेलाह महसूल का असर कहते हैं। टैक्स महसूल का असर का मतलब महसूल का फौरन माली बोझ है जो अदा करने वाले पर पड़ता है। महसूल अदा करने वाला महसूल के इस बोझ को दूसरों पर मुंतकिल करता है। महसूल का असर और महसूल का बार में ये फ़र्क है कि महसूल का रकमी बोझ जब मुंतकिल किया जाता है तो वो महसूल का असर है, जबकि महसूल बार की सूरत में बोझ अदा करने वाला पर रकम रहता है, कायम रहता है और मजीद मुंतकिल नहीं हो सकता, यानी टैक्स का बार टैक्स का आखिरी ठिकाना है। किसी भी मुल्क का टैक्स तारी का निज़ाम मुल्क में पैदावार और तकसीम दौलत पर गहरा असर मुरतब करता है, इसीलिए हुकूमत अपने टैक्सी पॉलिसी की तश्कील के वक्त टैक्स तारी के माशी असरात और नतज को ध्यान में रखती है। पैदावार और महसूल अंदाजी के असरात का तजिया वगैरह, लोगों के काम करने की सलाहियत, बचत, सरमाकारी पर महसूल अंदाजी के असरात, लोगों की काम करने और बचत करने और सरमाकारी के ख्वाहिशात पर टैक्स कारी के असरात वगैरह। जब सारिफ पर टैक्स आयद किया जाता है तो इसकी कुव्वत खरीद घटती है, नतीजतन वो अशिया और खिदमात की कम मकदार खरीदता है। सारिफ का म्यार जिंदगी घट जाएगा। इसका मतलब ये है कि टैक्स लगाने से सारिफिन के काम करने की सलाहियतें, बचत और सरमाकारी की सलाहियत में कमी होती है। टैक्स आयद करने से इसके असरात सिलसिलेवार मुरतब होते हैं। पहले लोगों की कुव्वत खरीद घटती, जिंदगी पस्त हो जाएगी और पस्त म्यारे जिंदगी की वजह से इनके काम करने की सलाहियत घटेगी। इसी तरह लोगों की बचत की सलाहियतों में कमी होगी और इसकी वजह से सरमाकारी की सलाहियत घट जाएगी और आखिरी में कम सरमाकारी की सलाहियत की वजह से पैदावार की सतह कम होगी, रोज़गार की सतह कम होगी, मतलब
ये सब होगा इसमें, ठीक है। टैक्सकारी की वजह से लोगों की काम करने की बचत और सरमाकारी की ख्वाहिशात पर भी असरात मुरतब होते हैं। अगर टैक्स की वजह से लोगों की आमदनी का एक हिस्सा हुकूमत हासिल करती है तो ऐसी सूरत में लोगों के काम करने की ख्वाहिशात में भी कमी होगी। इस तरह टैक्स की नौीयत भी लोगों की काम बचत और सरमाकारी की ख्वाहिशात पर मुख्तलिफ अंदाज से असर अंदाज होते हैं, ठीक है। आजकल दौलत और आमदनी की तकसीम में अदम मसावात को दूर करने के लिए टैक्स को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का रुझान बढ़ता जा रहा है। दुनिया के तकरीबन तमाम मुमालिक में मुतजायद टैक्सकारी के जरिए दौलत और आमदनी की तकसीम में नाबराबरी को कम करने की कोशिश की जा रही है। महसूल अंदाजी से समाज मुख्तलिफ तबकात के दरमियान आमदनी और दौलत के तकसीम में अदम मसावात को दूर करने में मदद मिलती है, जबकि तनजली टैक्स और दौलत की तकसीम में नाबराबरी को बढ़ाते हैं। मुख्तलिफ टैक्स दौलत और आमदनी की तकसीम को मुख्तलिफ तरह से मुतासिर करते हैं, मसलन दौलत टैक्स, आमदनी टैक्स वगैरह आमदनी की तकसीम में अदम मसावात को कम करने में मदद देते हैं। इसके बराबर बरखिलाफ पोल टैक्स जरूरियात या अशिया के मातहत इस्तेमाल की अशिया पर टैक्स दौलत की तकसीम में आयद मसावात को अदम मसावात को कम करने में मदद नहीं देते। बिलावास्ता टैक्स दौलत और आमदनी की तकसीम पर मवाफिक और मुनासिब तरीक़ों से असरअंदाज होते हैं। ये था हमारा टैक्स, मतलब महसूल अंदाजी के तरीक़े और हुकूमत को मतलब टैक्स मतलब कैसा आयद किया जाता है और किस तरह महसूल की जाती हैं, वो पूरे चीज़ें बताएं। कल की क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग। अल्लाह हाफिज़।